सावन माह हुआ शुरू, 2 माह का रहेगा सावन माह। शहर में निकलेंगे धूमधाम से भगवान शिव, 10 वर्ष बाद सावन में अधिक मास का विशेष संयोग। सावन माह में श्री भवानेश्वर शिवालय मंदिर विकास ट्रस्ट शिवालय मंदिर द्वारा सावन पर विशेष तैयारी की जा रही है। ट्रस्ट अध्यक्ष हरीश जोशी ने बताया कि 10 वर्ष बाद सावन में अधिक मास पुरुषोत्तम मास का विशेष संयोग होने पर 2 माह तक दिनांक 3/7/2023 सोमवार गुरु पूर्णिमा से दिनांक 30/8/2023 बुधवार रक्षाबंधन तक महादेव की पूजा का विशेष महत्व रहेगा, जिसमें विशेष श्रृंगार, गुरु पूर्णिमा, मासिक शिवरात्रि, नागपंचमी, हरियाली अमावस्या सहित 8 सोमवार रहेंगे व साधारण श्रृंगार रक्षाबंधन तक किए जाएंगे। तथा योगी ने बताया कि आज दिनांक 3 जुलाई 2023 सोमवार को गुरु पूर्णिमा से मंदिर परिसर में ध्वज पूजन के साथ गुरु पूर्णिमा महाआरती व प्रसादी वितरण के साथ देवाधिदेव महादेव का पुरुषोत्तम सावन माह की शुरुआत की गई। ध्वज पूजन ट्रस्ट के संरक्षक डॉक्टर जेके अरोड़ा व ट्रस्ट के सदस्य एवं भक्तों द्वारा किया गया व गुरुदेव की महाआरती की गई। इस वर्ष श्रावण माह दिनांक 4 जुलाई 2023 मंगलवार से 17 जुलाई 2023 तक 15 दिन, श्रावण माह के दिनांक 18 जुलाई 2023 मंगलवार से 16 अगस्त 2023 बुधवार तक पुरुषोत्तम माह रहेगा। फिर 17 अगस्त 2023 से 30 अगस्त 2023 रक्षाबंधन तक श्रावण के दूसरे 15 दिन रहेंगे। श्री भवानेश्वर शिवालय मंदिर विकास ट्रस्ट शिवालय मंदिर द्वारा परंपरागत भव्य शाही सवारी श्रावण के पावन माह के अंतिम सोमवार विशेष संयोग सोम प्रदोष पर दिनांक 28/8/2023 को मंदिर परिसर से प्रातः 10 बजे चल झांकियों का आयोजन किया जाएगा एवं झांकियों में बाहर से इवेंट कलाकारों द्वारा विशेष झांकियों की प्रस्तुति दी जाएगी, जिसमें बैंड बाजे, उज्जैन के प्रसिद्ध ढोल नगाड़े तथा हाथी घोड़े, पुष्प वर्षा, तोप व कड़ाविन तोप के साथ पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण करेंगे तथा बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने सवारी के दौरान हरिहर मिलन का कार्यक्रम दोपहर 1 बजे किया जाएगा। सवारी मंदिर परिसर में पहुंचने के बाद संध्या आरती होगी, इसके बाद प्रसादी का आयोजन किया जाएगा। अतः सभी भक्तजनों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधारकर देवाधिदेव महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर पुण्य लाभ लें। विशेष सावन में महिला व पुरुषों की पूजन व दर्शन प्रसाद वितरण की अलग से बैरिकेड्स द्वारा व्यवस्था की गई है। भवानी मंडी से बीपीए न्यूज संवाददाता की रिपोर्ट।